साहनी को सुनने आई ये भीड़ है। क्या नाम है भाई साहब? मुकेशन। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया सर, माहौल है, बहुत जोश है, उत्साह है। हम लोग चाहेंगे कि फिर यहाँ यूपी में भी सरकार बनाई जाए। संजय निषाद और मुकेश साहनी में तुलना की जाए तो कौन भाई? बहुत सर, क्या नाम है? संजय निषाद क्या है, उनके कुछ नहीं, मुकेश साहनी के आगे वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। क्या नाम है? शैलेंद्र साहनी। क्या नाम है? शैलेंद्र साहनी। शैलेंद्र जी, ये बताइए, संजय निषाद मुकेश साहनी दोनों में कौन भारी? संजय निषाद यहाँ पता नहीं चलेंगे, मुकेश साहनी यहाँ भारी मतों से विजयी होंगे। और संजय निषाद ने जो निषादों के साथ धोखा करने का काम किया है, और इसके बाद उनको सबक सिखाया जाएगा। हमारी वीआईपी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी, और हमारे यहाँ से विधानसभा आलापुर से प्रेमलता भारती जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें भारी से भारी मतों में विजयी बनाया जाएगा, और सभी गद्दारों से उनका बदला लिया जाएगा। गद्दारी कौन? गद्दार? गद्दार हमारे यहाँ संजय निषाद जी हैं, जो कि हमारे निषाद भाइयों का वोट लेकर, और उन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया, और हम निषाद भाइयों को पीछे छोड़कर आगे जाने का काम। भाई साहब क्या नाम है? विजय निषाद। विजय जी क्या हालचाल है? बढ़िया सर। खाना ना कम खाते हैं? नहीं, खाना तो ज्यादा खाते हैं। पर क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, वीआईपी का माहौल है। वीआईपी? वीआईपी का मतलब क्या है? विकासशील पार्टी। अच्छा, पार्टी का नाम है। क्या माहौल देख रहे? भीड़ तो है? भीड़ नहीं, यही रुतबा यही जलवा रहेगा। रहेगा रहेगा सब लोग तो कह रहे हैं कि संजय निषाद का माहौल है। संजय निषाद का कहाँ माहौल है? नहीं माहौल हमारे यहाँ गोविंद साहब में, संजय निषाद का कहाँ माहौल है? वहाँ पे रैली कर रहा है, 60 आदमी है उनके रैलियों में। 50-60 लोग केवल? बस 50-60 लोग क्या करोगे? गद्दारी करेंगे हम बिरादरी भाइयों के साथ, क्या गुमराह करता रहेंगे ये संजय निषाद जी? हम लोग उनका बहुत सपोर्ट लिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। आइए 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 आइए, इधर आइए इधर आइए। आरक्षण नहीं, गठबंधन नहीं। आरक्षण नहीं, गठबंधन नहीं। अरे रुकिए, कुछ नहीं, हम सही है। अच्छा, बोलेंगे नहीं? तो ये आलापुर विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक है, अभी आपने लोगों की बात को सुना। चाची का नाम है? श्रावती। कहाँ है लालू? यही माल है। केकरे और केकरे और यही नहीं कोर्ट से हमने आना है। का माहौल है? ठीक है माहौल, ठीक है। तो अभी आपने आलापुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की बात को सुना। मुकेश साहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, इनका हेलीकॉप्टर उड़न खटोला यहां से अभी प्रस्थान करेगा। तो निषाद मतदाता आलापुर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 35,000 निषाद मतदाता, बड़े निर्णायक मतदाता हैं, जिधर जाएंगे खेल बिगाड़ देंगे। खेल अगर बनेगा नहीं, इनका खेल नहीं बनेगा तो दूसरे का खेल भी बिगाड़ देंगे। ये निषाद मतदाता आलापुर विधानसभा क्षेत्र इस रैली में आए थे, हजारों की भीड़ है। मुकेश साहनी ने इनको संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद यहां से किसी और जगह पर जनसभा के लिए प्रस्थान किए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और 6वें चरण में अम्बेडकर नगर जिले में मतदान होना है, 3 तारीख को वोटिंग होगी। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी आज एक जनसभा को संबोधित करने आए, ये भीड़ है, भीड़ को संबोधित किया है, अपने प्रत्याशी प्रेमलता के पक्ष में समर्थन मांगा है। ये महिलाएं आई हुई हैं और बहुत सारे लोग आए हुए इनको सुनने के लिए। संबोधन इनका खत्म हो गया है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर जनसभाओं का दौर चल रहा है, और जब 3 मार्च को वोटिंग होगी तो बड़ा ये मायने रखेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसको कहे कि बहुत महत्वपूर्ण वोट है ये। निषाद मतदाता जिधर करवट लेंगे, आलापुर के साथ साथ जितनी सीटों पर निषाद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी के, ये बड़े काउंट करने वाले मुद्दे होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये लोग सुनने आए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाची? रीना। क्या हाल चाल है? हाल चाल बहुत गड़बड़ है, रोज मार खा रहा। अरे रैलिया माइल हो, यहाँ का माहौल है? अच्छी माहौल है। केकरे और? ठीक है माजी को। कौने हो रही? ये नहीं है। ये आया लाल मुकेश साहनी। ये चाचा कहाँ जात हवा? अच्छा, तो कहाँ रखा सर की जगह दे? और अभी हर रहा जहाज न देखा, जहाज देखा है लहू कि सुने आया लहलू? अरे आया लानी है। का बताओ ने? का बताओ ने? ठीक है बतावा था मैं। ठीक है बताओ ने? की कोने रैली में आया लहलू? केकरे रैली में? उमेश साहनी। उमेश साहनी, अच्छा। का नाम है चाची? क्या हाल है चाचा? ठीक हाल है भैया। का माहौल रही? माहौल ठीक रही। इनके इनका है आई संजय निषाद के? संजय निषाद का? संजय
संजय निषाद मुकेश सहनी दू जने हमने तो संजय निषाद के कौन बात आई हम मोहनलाल हैं इनके देखा कौन के देखा गए बात वो तो निषाद पार्टी निषाद से मतलब नहीं है निषादों को जब वो नहीं चाह रहा है तो क्या उसको देखा जाएगा निषाद पार्टी हो बनौले हैं बनौले हो तो का अच्छा जब वो नहीं चाह रहे हमको उनको तो बहुत देख लिया भैया अच्छा हाँ पेटवा के परमीर को का बोला था वोट दिया सांसद बना दिया गया कहीं देखत बाटे गरीबे के काना है राजेंद्र प्रसाद निषाद प्रधान भगवानपुर मंझरिया अरे प्रधान जी का माहौल है माहौल वीआईपी पार्टी का बहुत ही अच्छा है सारी पार्टियां बौखला गई हैं हमको बस थोड़ा सा ये भाषण नहीं जी हमको ये बताइए संजय निषाद मुकेश साहनी में कौन इस समय भारी है मुकेश साहनी जी सबसे भारी हैं संजय निषाद बिकाऊ है टिकाऊ नहीं है बिकाऊ है टिकाऊ नहीं है कैसे उसने वोट बेचने का काम किया टिकट दिया तो पैसा लिया और हमारे निषाद समाज का एक तरफा वोट लिया और वो जा करके आरक्षण के बदले में वो अपने लिए सीट मांगा अपने बेटे के लिए मांगा अपने बेटे को विधानसभा का चुनाव लड़ा रहा संजय निषाद MLC है और उनके एक लड़के सांसद और एक लड़के को फिर विधायक का चुनाव जी ये परिवारवाद लेके चलते हैं समाजवाद नहीं समाजवाद नहीं भाई साहब क्या नाम है हमारा नाम सर देवमन सहनीपुर प्रधान प्रत्याशी अच्छा ये बताइए हाँ जी संजय निषाद मुकेश साहनी दोनों की तुलना की जाए तो कौन भारी है मुकेश साहनी भारी है क्यों मुकेश साहनी और संजय निषाद जो थे अपनी बिरादरियों को नहीं देखे वोट लेकर चले गए हाँ जी समाज हाँ हाँ भाई क्या नाम है बिरजू साहनी नाम है मेरा क्या माहौल है माहौल बहुत बढ़िया है संजय निषाद मुकेश साहनी में तुलना की जाए तो कौन भारी है मुकेश साहनी भारी है क्यों क्योंकि पूरा समाज उनके साथ है अरे तो वो भी तो रैली किए हैं बड़ी भीड़ है वो भी रैली किए हैं अरे दोनों लोगों की रैली भीड़ हो रही है दोनों लोग की रैली मेरे मगर इनका साथ सब लोग दे रहे हैं इनका साथ ये दे रहे हैं सही काम कर रहे हैं ये तो बिहार में उसी सरकार में मंत्री हैं बिहार में मंत्री यहाँ भी रहेंगे यहाँ भी कोई बनेगा चाचा देखिए बता रहे हैं यार देखिए यहाँ भी कौन मंत्री बनेगा अरे भाई बनेगा जो उसको बनाया जाएगा वही तो बनेगा ये देखिए और भी भीड़ है भाई साहब इधर आइए क्या नाम है मोहम्मद जिसान मेरा नाम है क्या माहौल है माहौल तो यहाँ का यही जीतना चाहिए वीआईपी के और जब से योगी मोदी आए हैं हिंदुस्तान में हमको एक बात ये बताइए संजय निषाद और मुकेश साहनी दोनों में तुलना की जाए तो कौन भारी है भारी तो भाई यही है जो मौके पर आए हुए हैं हमारे यहाँ वही भारी है और दोस्तों में गुजारिश यही है कि चाहे जैसे योगी मोदी का राज हटना चाहिए हिंदुस्तान क्या नाम है क्या नाम है मुलायम निषाद क्या हाल है पोजीशन तो सही है अरे तो संजय निषाद मुकेश साहनी दो लगे हाँ तो कौन भारी है मुकेश साहनी जी हमारे अच्छे हैं तो ये आलापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है जो मुकेश साहनी और संजय निषाद के बीच तुलना कर रही है कि कौन इसमें भारी है ये भीड़ आई हुई है और सुनने के लिए क्या नाम है अरे इधर आइए क्या नाम है राम प्रसाद क्या माहौल है संजय निषाद और मुकेश साहनी कौन भारी है भारी ये है मुकेश साहनी तो संजय निषाद भी तो भीड़ जुटा रहे हैं जुटा तो रहे होंगे सर सब सब अपनी अपनी जुटाता है ना अच्छा क्या हाल है क्या नाम है जमुना प्रसाद संजय निषाद मुकेश साहनी में कौन भारी है कुछ भी भारी नहीं है कुछ भी भारी नहीं है किसको जिताएंगे इनको निषाद को अरे कौन निषाद अरे किसको जिताएंगे मुकेश निषाद के अच्छा यहाँ से कौन लड़ रहा है कौन लड़ रहा है हम लड़ रहे हैं उधर लड़ रहे हैं वाह भाई वाह क्या नाम है जिलाजीत नाम है जिलाजीत जिलाजीत का हाल है हाल बहुत बढ़िया है की बात नाव को जिताएंगे और अपनी सत्ता बनाएंगे खुद नाव को हाँ नाव को जिता संजय निषाद जी भीड़ जुटा रहे हैं भीड़ जुटाएंगे एक वोट उनको नहीं मिलेगा सब तो कह रहे वोट मिला उन्हीं को सबको कहने से क्या होता हम जो कह रहे वो होगा उन्हीं को मिलेगा उन्हीं को मिले उनको नहीं मिलेगा इनको मिलेगा नाव को जिताएंगे यहाँ से प्रेमलता जी जीतेंगे हर वोट निषाद भाइयों का और गरीब वालों का कैसे मान लिया जाए संजय निषाद भी रैली कर रहे हैं मानिए हम कह रहे तो मानना पड़ेगा ना संजय निषाद कह रहे हम थोड़ी नहीं मानेंगे संजय निषाद रैली कर रहे तुमको रैली करने लीजिए क्या हाल है ये देखिए मुकेश साहनी का काफिला आ रहा है तो आलापुर विधानसभा क्षेत्र है आलापुर विधानसभा क्षेत्र में लोग उनको सुनने के लिए आए हुए थे उनकी जनसभा समाप्त हुई है और जनसभा समाप्त करके अब
हेलीकॉप्टर के द्वारा प्रस्थान करेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है आलापुर विधानसभा की, आलापुर विधानसभा